ये वो प्राणी है जिसकी वजह से ड्रोन छोटा अभी तक बना नहीं। अल्लाह अकबर। सलाम व्यूअर्स, कैसे हैं? वंस अगेन हम लोग एक और जगह पहुंच चुके हैं जिसका नाम है शहबाज शरीफ फॉरेस्ट पार्क। और ये पार्क जो है वो काफ़ी बड़ा है, काफ़ी बड़ा पार्क है। इसमें जो है वो देखते हैं भाई, ये इसमें एंट्रेंस फिल वक्त फ्री है। और ये दीपालपुर में जो है ना ये पार्क बना है। कहते हैं कि अगर आप स्ट्रेट जाएं तो 1 किलोमीटर लंबा ये स्ट्रेट पार्क है आगे तक। ये 1351 में बना है, 1351 से 1388 के दरमियान में की बना है। नहीं नहीं, 1206 के दौरे हुकूमत में तमीर हुआ है और उसके बाद तुगलक मुगल और अंग्रेज दौर में भी इस्तेमाल होता रहा है। वाचावर की खस्ता हाली को दूर करने के लिए महकमा सारे की दिमा और महकमा जंगलात हुकूमत पंजाब ने एक बेकार सी चीज को संभाल के रखा और जो हवेलियां वो किला जो देखा वो संभाल के रखने वाली चीज भी संभाल के कौन ही रखे। हाँ। ये सारा काम होता है। चले अंदर चले, अभी इधर पैसा ज्यादा था, नहीं अंदर चलते देखते हैं। ये देखें जी, किले के अंदर हम ये वॉच टावर के नीचे का हिस्सा यहाँ से गुजर के जा रहे हैं। वॉच टावर है और वही उसकी वो टेक्नोलॉजी 1206 का बना हुआ ब्रिक्स टेक्नोलॉजी। सही बात है, बहुत अच्छा ड्रोन है। ध्यान से देखिए, ये वो प्राणी है जिसकी ऐसे ड्रोन छोटा अभी तक बना नहीं है। भाई ये फैसल भाई ने कोई चीज दरियाफ्त की। ओ भाई क्या ही? ये हाउत नहीं, ये असल में वो है ना 10 नंबर के जूता दे दो भाई। 150 रुपया देगा ये। यार जखीरा है, ठीक है, और ये बेसिकली 7000 एकड़ जगह है टोटल, इर्द गिर्द सारा जंगल है, ठीक है, और यहाँ पे मिट्टी के घर, कानों के घर, लकड़ी के घर, और हम पंजाबी जुबान में हम लोग कहते हैं डूंगे पिंड, गहरे गांव, मतलब जो बहुत दूर दराज के गांव हैं शहरों से। यहाँ के लोगों के पास मोबाइल कन्वेंस और सहूलियात जो मेजर हैं वो यहाँ पे मौजूद नहीं होती। यहाँ से सहूलियात के लिए उनको शहरों का रुख करना पड़ता है, ठीक है, और यहाँ पे इर्द गिर्द सारा ही जंगल है 7000 एकड़। और ये तो एक पार्क डेवलप हुआ हुआ है जहाँ पर हम लोग घूम रहे हैं, तो एक मज़े की जगह है। इसके इर्द गिर्द इतना घना जंगल है कि शायद उसमें चला भी ना जाए। अच्छा, हाँ जी, ये पूरा एडवेंचरर है अगर हम लोग साइड्स पे जाए तो। 150 पढ़े तो उसके हिसाब से कितना पुराना ये टावर है? ये अब आप लगा ले साहब, ये तकरीबन 800 साल से ज्यादा पुराना है। 1206 में ये तमीर हुआ है। 1100 साल पुराना? हाँ जी, नहीं, 800
नहीं 1200 मिला दी है ना। हाँ 1206 तो 1100 साल हो गए ना। 2023 में चल रहे ना। 2023 है ना। हाँ 2800। कहाँ पर है? अच्छा जी, हम लोग हैड सुलेमान की एरिया में एंटर हो गए। ये इनका कैडेट कॉलेज है 12 विंग रेंजर्स का, ठीक है, और यहाँ से जो है ये बॉर्डर एरिया स्टार्ट हो जाता है। अच्छा जी। ये बसीपुर से आगे 20 किलोमीटर दूर बॉर्डर है। अच्छा, ठीक है। हाँ जी, यहीं से आगे रोड आपका मिंचनाबाद, ठीक है, मंडी अहमदाबाद और जो मुजाफाती एरिया हैं वहाँ तक सारे एक्सेस है। बहावलपुर, बावल नगर, मिंचनाबाद वाला रोड जो है वो जाता है। चलिए व्यूअर्स, हमारे साथ जो भी हैं, जो ये आपने देखा होगा चेहरा चेंज हुआ है, शेख साहब से हटके सरदार साहब पर आ गए। हाँ, सरदार फैसल साहब वहीं हमारे, जो कि शेख साहब के बहुत अच्छे दोस्त हैं माशाल्लाह, और हमारी काफ़ी भी बातचीत इंटरेक्शन सब सुन रहा है। अभी मैं इनके साथ हूँ और हम जा रहे हैं सगत परेड देखने, तो होपफुली हम परेड कैच कर लें। जी सर, हम एंटर हो गए बॉर्डर एरिया में, चेक पोस्ट हमने क्रॉस कर ली है, तो अब हम जा रहे हैं आगे जहाँ पे परेड होती है। हाँ जी, भारत माता की जय।
अल्लाह अकबर पाकिस्तान पाकिस्तान जिंदाबाद। देखिए माशाल्लाह से अच्छा मेरी फर्स्ट परेड थी ऐसे सरदार साहब जी मेरी भी अनफॉर्चुनेटली फर्स्ट परेड थी हर गाड़ी में सबकी फर्स्ट परेड थी चले तो आप सब हमें थैंक यू करने पर मेहमान के आने से सदके से बंदा खुद भी क्या लेता है और क्या लेता है। मेरी तो वैसे रवायती पहले थी मैंने वैसे तो हम लोग उधर करते हैं परेड तो देखी हुई आईडिया है चले भाई जबरदस्त नहीं लेकिन ऑनेस्टली व्यूअर्स मजा आ गया माशाल्लाह से। सबसे बड़ी बात की भाई जोश और जज्बा असल में फेसबुक पे मैंने पोस्ट देखी थी कि इंडिया कहाँ से कहाँ पहुँची और हम जो है ना वो वाघा बॉर्डर पे इस बॉर्डर पे जो है ना टांग उठा के भटकते ही रह गए। तो देखें यार ये बेकार की बातें नहीं क्या करें सही जी जो जज्बा हमारे कौम में है हमारे दीन में है वो ऐसा है कि उसके आगे जो है ना वो लोग कहते हैं सामने वाले कि यार हम ऐसे शख्स से कैसे लड़ें जो रेडी है एनी टाइम मरने के लिए शहादत के लिए। तो वो मरना कहते हैं ऐसे शहादत के लिए एनी टाइम रेडी हो तो भाई उसके अगेंस्ट आप कैसे लड़ सकते हैं। तो सर जो चीज़ें रह गई हमारी सकाफत में हमारी समझ लें रिलीजियसली कल्चरली तो उसको प्लीज़ वैल्यू करें और आके इन चीज़ों के लिए वक्त निकालें। तो थैंक्स टू शेख साहब थैंक्स टू सरदार साहब फैसल भाई और बाकी सब भाइयों का माशाल्लाह से कि मज़ा आ गया बहुत ज़बरदस्त मज़ा आ गया।